इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि आप प्ले स्टोर के किसी भी ऐप्स का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कैसे कर सकते हैं या फिर किसी भी ऐप का लिंक कॉपी कैसे कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड देखिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले प्ले स्टोर में आ जाना है, और उसके बाद आपको अपने जिस भी ऐप का लिंक शेयर करना है या कॉपी करना है तो आपको सबसे पहले उस ऐप को यहां से सर्च कर लेना है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स मैं यहां पर सर्च बार में टाइप कर देता हूं Instagram, नाम टाइप करके आपको सर्च कर देना है। उसके बाद दोस्तों वो एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा। अब एक बार आपको एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद इस तरीके से आपका ऐप ओपन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए इसके लिंक को शेयर करने के लिए ऊपर आपको यह 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यह शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद फ्रेंड्स आप इस ऐप के लिंक को जहां पर भी शेयर करना चाहते हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, या फिर मैसेज के जरिए, या फिर इंस्टाग्राम के जरिए, तो आपको जो है यहां से उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे अगर मुझे व्हाट्सएप के जरिए शेयर करना है तो हम जो है यहां व्हाट्सएप को सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद आपको अपने जिस भी फ्रेंड के चैट को शेयर करना है उसमें आप यहां से शेयर कर दीजिए, उस ऐप का लिंक उसके पास शेयर हो जाएगा। और दोस्तों अगर लिंक कॉपी करना है तो क्या करना है कि लिंक को सबसे पहले शेयर कर देना है, और उसके बाद दोस्तों कॉपी करने के लिए आपको उस लिंक पर फिंगर से लॉन्ग प्रेस करना है, तो उसके बाद लिंक जो है कॉपी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है प्ले स्टोर के किसी भी ऐप का लिंक शेयर कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।